संसार दुख जलधो पतित सकाम क्रोधादिन क्रम करई कबली कितस्य दुर्वासना निगरतस्य निराशयस्य चैतन्य चंद मम देही पदावलंबनम। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं हरि भजन के द्वारा आपका जिंदगी में कामिनी कांचन प्रतिष्ठा सब आते रहेंगे। हरि भजन करने का साथ साथ आपका जिंदगी में कामिनी कांचन प्रतिष्ठा अच्छा अच्छा खाना अच्छा अच्छा कपड़ा जितना सारे वैभव प्रतिष्ठा सारे आते रहेंगे। लेकिन सावधान, इसी में उलझ नहीं जाना, इसमें मोहित नहीं होना। जो सब व्यक्ति इसी में मोहित हो जाता है उसका भजन से छुटकारा मिल जाता है, संसार में चले जाते। ये सब स्वाभाविक आते रहें। हरि भजन का ये तुच्छ, हरि भजन का फल जो है ये जो तुच्छ फल है, इसमें अगर उलझ जाओगे तो वास्तव भजन कभी नहीं होगा, संभव नहीं। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जिसका बारे में चैतन्य चरितामृत में बताया गया जो रघुनाथेर नियम जनोपासनेर रेखा, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का जो वैराग्य है, जो साधन है, यही हमारा जिंदगी में मकसद होना चाहिए, यही हमारा जिंदगी में आदर्श होना चाहिए। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का जिंदगी में जो वैराग्य भक्ति देखा गया, इसी को ही हम लोग आदर्श मान के चले तो उसमें कोई समस्या नहीं आ पाएगा। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे में श्रील भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं। हमारा परमांश गुरुपाद पद्म जगत गुरु श्रील गौर किशोर दास बाबा का जिंदगी में रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो वैराग्य है, विवेक है, सारे के सारे हम लोग रिफ्लेक्टेड देखा है। बाबा जी महाराज का जिंदगी में रघुनाथ दास गोस्वामी का जितना वैराग्य है टोटली हम लोग गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का जिंदगी में आचरण में देखे हैं, नॉट दैट वक्तिता। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी का बारे में शास्त्र में बहुत कुछ है लिखा, खाना पीना सब कुछ, उठना बैठना। श्रील गौरांग महाप्रभु जब श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पहले आए थे घर से, पहले जब घर से आए थे, आने के बाद चैतन्य महाप्रभु का सामने कुछ क्वेश्चन करना चाहा, परिप्रश्न, हमारा मकसद क्या है, किस लिए हमको घर छुरा के अब लाए हो, हम क्या करेंगे, कैसे भजन करेंगे। तो स्वरूप गोसाई के द्वारा, क्योंकि महाप्रभु का साथ डायरेक्टली बात करना बहुत मुश्किल, भगवान है साक्षात, स्वर्ग गोसाई के द्वारा बुलवाया। तो महाप्रभु जी ने सुंदर एक उपदेश दिया, भालो ना खाइबे और भालो ना पुरीबे, अच्छा नहीं खाना, अच्छा पहनना नहीं, अमानी मानद होइया सदा नाम ग्रहण करने के बाद हरिनाम ग्रहण करने के लिए बताया।
और अंतर हृदय में हर्वदा सतत वृंदावन का जुगल किशोर का भजन करना अंतर्मना होके भालो ना खाइबे और भालो ना पोरीबे बड़ा ऊंचा बात है। गौड़िया मठ का जो भजन है इतना ऊंचा बात है ये कोई भी आदमी समझाना बहुत मुश्किल है। एक तरफ तो युक्त वैराग्य है हमारा प्रचार के लिए राजा का मापिक सामने बैठना पड़ता है, राजा का मापिक आप लोगों का सामने, अंतर में भिखारी का मापिक दैन्य रख कर ठाकुर जी का भजन करना पड़ता है। हम अगर ये दोनों में बैलेंस नहीं रख सके, बाहर में युक्त वैराग्य का जो अंतर में विचार है विचार को हम बैलेंस नहीं कर सके तो हमारा गया भजन सत्यनाश। इतना ऊंचा विचार है उसमें बहुत मुश्किल। गौड़ियो मठ का विशेष करके गौड़ियो सारस्वत गौड़ियो मठ का जो प्रभुपाद का विचार है इतना ऊंचा विचार है बहुत मुश्किल है। रघुनाथ दास गोसाई क्या खाते थे, सनातन रूप गोसाई क्या खाते थे, रूप सनातन आदि, जब महाप्रभु अंतर्जामी साक्षात भगवान सब जानते हैं, फिर भी कोई अगर वृंदावन से आए तो पूछते हैं रूप सनातन कैसे रहते हैं, उसका चाल बोल कैसा है, खाना पीना सोना कैसा है। बोले महाराज मत पूछो, सूखा चाना थोड़ा खा के भजन करता है और एक एक वृक्ष का नीचे एक एक दिन रहता है कि कोई ऐसा ना हो जाए ये वृक्ष बड़ा अच्छा है इसका नीचे ही रह जाए आकर्षण हो जाए। एक एक वृक्षों का नीचे एक एक दिन रहे और हर वक्त 24 घंटा हरिनाम करते रहते, ऐसा वैराग्य है कि मत पूछो। एक कोपिन है, एक कमंडल है और कुछ नहीं, पानी पात्र है कुछ नहीं करोंगो। और चैतन्य महाप्रभु सब जानते हुए भी ये सब प्रश्न करते हैं क्यों, पर हम लोगों को सिखाने के लिए। काथा करंगिया जो गौर भक्तगण जो है इन लोगों के बारे में चैतन्य चरितामृत में है, काथा करंगिया जो तो गौर भक्तगण, ये भक्तगणों का जो भक्ति है जो विवेक वैराग्य है, जहां देखी प्रसन्न हन गौर भगवान, गौरंग वहां पर उन लोगों का वैराग्य देख के बड़ा भारी प्रसन्न हो जाते, बड़ा भारी प्रसन्न। काथा करंगिया जो तो गौर भक्तगण, जहाँ देखे प्रसन्न हन गौर भगवान, गौरंग महापो इन लोगों का वैराग्य देख के बड़ा भारी प्रसन्न हो जाते। हमारा भी वृंदावन में एक सुंदर कहावत है, सुंदर ये कहावत नहीं है प्रैक्टिकल बात है, जो लोग भजन करते हैं ऐसे ही करते हैं। बोले महाराज आटा का कोई कमी नहीं है, आटा का कोई कमी नहीं है, घी का कोई दर्शन नहीं है, कभी मुट्ठी चाना को भी ओ भी माना, ये भजन है। आटा का कोई कमी नहीं है, आटा का कोई कमी नहीं है, घी का कोई दर्शन नहीं है, कभी घना घना को भी मुट्ठी चाना को भी ओ भी माना। कौन समझा ये बात, कौन समझा, भला बड़ा मुश्किल की बात है। वृंदावन का जो संत समाज है ये बक्का भजन करे जो आटा का कोई कमी नहीं है, क्योंकि सबसे सब जगह आटा थोड़ा मिल जाए, लेकिन घी मिलना मुश्किल है, घी का चिंता करो तो भजन छूट जाए। सनातन गोस्वामी भी ऐसा करते थे, सूखा रोटी बनाकर टिकिया बना के मदन मोहन के सामने देते, मदन बोले अरे कम से कम तो नमक डालो, हम नमक कहाँ से लाए, तुम लाओ ये खाना खाओ, हमारा संभव नहीं कि नमक मांग के लाए, आज बोले नमक लाओ कल बोले घी लाओ, संभव नहीं यही खाओ। तो जब मदन मोहन बोले अच्छा अगर हम लाए नून बल खूब लाओ, बोला हम अगर नमक लाए तो
तो ऐसा निमक लाए ठाकुर जी कि मत पूछो। बहुत सारे घटना है इसका पीछे, और बड़ा भारी मदन मोहन मंदिर बन गया, बहुत सारे घटना है। और ये जो बताया था, एक कहावत है वृंदावन का, आटा तो मिल जाते लेकिन घी का चक्कर में टाइम खराब हो जाएगा भजन। कोई के संतों तो ऐसा था, हमने सुना है, बड़ा वो 7 दिन का रोटी एक साथ भिक्षा करके रख देते हैं, जाने का टाइम नहीं, वो रोटी को पानी में भिगा दिया, थोड़ा नमक डाल के ऐसा के खा लेते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी 2 दिन बाद एक दोना माठा पीते थे, ऐसा ही नियम है। कभी बहुत भंडारा हो गया, कोई ठाकुर जी का कोई प्रसाद जोर जबरदस्ती को दिया, शुद्ध प्रसाद मतलब प्रसाद तो शुद्ध ही है, मतलब किसने दिया है, ये जो भोग लगाया था उसका पैसा कहाँ का पैसा है, ये विचार है। इसलिए हम बोला प्रसाद तो हर वक्त शुद्ध ही है, तो ये विचार करके कभी प्रसाद लिया, कभी सूखा चना, कभी वो भी मिला नहीं, ऐसा करके भजन होता है। अगर हम रुचि पूरी हलवा ये सब खाना शुरू कर दे तो हरि कथा हमारा बंद कर दो, दोनों एक साथ होगा नहीं। अगर हलवा खिलाना चाहते हो तो हम हलवा खाएंगे, खिलाओ, लेकिन हरि कथा बंद हो जाए। मेरा अगर तपस्या नहीं हो तो ये हरि कथा कोई मजा का बात नहीं है। मैंने कितना बार विनती किया कि मेरा भजन में विक्षेप हो जाएगा, मानता नहीं कोई, वो सोचता है हमको प्यार नहीं करता, महाराज कृपा नहीं करता। कृपा ऐसे नहीं होता, कृपा तो ऐसे होता है जिसका सेवा करोगे उसका मन प्रसन्न हो जाए तो वही उसमें कृपा मिलेगा। इसमें प्रसन्न हो जाए तो उस इसमें आपको कृपा मिलेगा, नहीं तो दोनों एक साथ चलता नहीं। रघुनाथ गोस्वाई रूप गोस्वाई उसी का खानदान का मैं हूँ, हरिदास ठाकुर, मैं कैसे लूची पूरी हलवा खाना शुरू कर दे। लोग सोचे कि महाराज हलवा खा रहे, इतना गाधा हो तुम, चिंता करो, लोग सोचे कि महाराज का प्रसाद तुम्हारा पास आया है, वो चिंता करे उसका भी पतन हो जाएगा, कोई सोचता नहीं। ऐसे प्रभुपाद जी पहले ही बताए, इसीलिए हरि भजन के द्वारा तुम्हारा सामने लाभ पूजा प्रतिष्ठा वैभव कामिनी कांचन अच्छा अच्छा खाना सब आएगा, लेकिन ये सब को स्वीकार नहीं करना, ये सब में उलझ नहीं जाना, तब तो भजन से छुट्टी हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। निष्किंचन जो भजन करते हैं उनका जो सामान्य चीज जरूरी है उतना ही दिया करो, इसमें बड़ा भारी कृपा होगा आपका ऊपर। और कृपा लेने के लिए कथा सुनो, उसका चरित्र, उसका स्वभाव, उसका आचरण, उसका आदर्श, इसको अपनाओ जिंदगी में, तब तो कृपा ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब रघुनाथ दास गोसाई घर छोड़ के गए, भग गए, उसको वापस लाना संभव नहीं। रघुनाथ दास गोसाई के जो पिताजी हैं वो बोले उसको वापस कैसे लाए, वो आएगा ही नहीं, पूरी में चले गए नीलाचल। और उसका पिताजी इतना ढेर सारे पैसा देकर नौकरों को भेजा, 2-4 नौकर को भेजा, जब बेटा हमारा घर आएगा नहीं, वो जहां भी रहे तो एक कैसा करे, पैसा लेके बैठे रहना, और जब भी कुछ चीज का जरूरत हो पैसा उसको देना, देते रहना पैसा। रघुनाथ गोसाई सोचे कि पिताजी दुखी हो जाए, ठीक है, कई थोड़े दिन के लिए पैसा को स्वीकार किए, लेकिन एक पैसा भी खाया नहीं। वो दान दक्षिणा इधर उधर दे दिया, वो भी मुश्किल है, संत महात्मा दान दक्षिणा दे ये भी मुश्किल है। लोकनाथ गोसाई नरोत्तम ठाकुर के भगा दिए, जाओ तुम राजा का लड़का है, दान दक्षिणा करो, तुम्हारा इधर होगा नहीं, जाओ भागो। बहुत सारे तत्व है, वो भी मुश्किल है। और रघुनाथ दास गोसाई कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण करते थे, और जगन्नाथ का प्रसाद और थोड़ा बहुत रसोई भी करते थे। ऐसा बाद में चिंता की कि हम ये जो पैसा लेकर महाप्रभु को भोजन दे रहे हैं, शायद प्रभु संतुष्ट नहीं है। क्यों? भले ये तो हमारा पिताजी और
जो हमारा चाचा जी है वो लोग तो शुद्ध भजन नहीं करने वाले, वैष्णव को प्यार करता है, गुरु वैष्णव को बहुत श्रद्धा रखता है लेकिन भजन नहीं करते शुद्ध भजन। इससे रघुनाथ दास गोस्वामी जी अंतर में विचार किए, ये भंडारा जो है ठाकुर महाप्रभु को हम जो भोजन दे रहे हैं निमंत्रण, ये बंद कर दिया। महाप्रभु को बाद में पता चला, महाप्रभु स्वरूप गोसाई को पूछे रघुनाथ मेरे को निमंत्रण करना क्यों बंद कर दिया। स्वरूप गोसाई बोले रघुनाथ ने अंतर में सोचे कि शायद प्रभु संतुष्ट नहीं है, हमको प्यार करते इसे माना नहीं, माना भी नहीं कर सकता, इसलिए लिया है। बोला अच्छा किया। और रघुनाथ कैसे खाते पीते हैं? महाप्रभु पूछे स्वरूप गोसाई के अच्छा रघुनाथ का गुजारा कैसे होता है? बोले रघुनाथ वो रात का टाइम पे जगन्नाथ मंदिर का गेट का सामने खड़ा होके ऐसे नाम करते रहते हैं, पंडा लोग जाने के समय थोड़ा भिक्खा दे के चले जाते हैं उसी से। महाप्रभु बोले अच्छा हुआ, चलो कोई बात नहीं, वैरागी का जो आचरण है वही आचरण किया, चलो कोई बात नहीं। थोड़े दिन बाद, दो तीन महीना बाद महाप्रभु फिर पूछे स्वरूप ये रघुनाथ का गुजारा कैसे हो रहा है, वो कैसे खाते पीते हैं? बोले महाराज वो पूरा छत्र में जाके मांग के खाता है, वह महाप्रभु महाप्रसाद का थोड़ा बंटवारा होता है वो राजा। महाप्रभु बोला अच्छा किया। ए सिंह द्वार में जगन्नाथ का मंदिर के सामने वेश्या का मां भी खड़ा होके पैसा मांगना ठीक नहीं, कुछ भोजन मांगना ठीक नहीं, अच्छा किया छत्रों में जाके थोड़ा भोजन कर लिया। अब सोचो हम उसी खानदान का है, मैं कैसे स्वीकार करूं? महाप्रभु का सामने जब जगदानंद पंडित बांग्ला से बांग्ला गए थे गौड़ देश, उसमें एक तेल लाया, महाप्रभु का विकार हो जाता, रोते हैं सोते नहीं, इसे तेल लाया, वह बड़ा प्रेम से महाप्रभु का लिए वो तेल रख दिया। और सेवक बोले जगदानंदो पंडित बांग्ला से तेल लाया आपको बीमारी थोड़ा हटाने के लिए। महाप्रभु बोले ऐसा करो हम तो सन्यासी है तेल तो नहीं लगा सकता, तो ये तेल को जगन्नाथ मंदिर में दे दो और दिया जला दो, उसमें अच्छा होगा, ठाकुर जी का सेवा में लग जाए। जब जगन्नाथ पंडित को पता चला कि प्रभु ने तेल स्वीकार नहीं किया तो क्या किया, उसका बड़ा दुख हुआ तेल स्वीकार नहीं किया। महाप्रभु बोले जगदानंद तुम जो बंगला से तेल लाए हो वो हम कैसे स्वीकार करें, हम तो सन्यासी हैं, और तेल लगाए तो लोग बोलेगा देखो खुशबू आ रहा है कितना, दाढ़ी सन्यासी स्त्री संग करने वाला सन्यासी है, बाहर में दिखावा सन्यासी है। जगदानंद बोले कौन बोला मैं तेल लाया, बोल के घर में गया तेल का जो डब्बा है वो फेंक दिया पूरा तेलो तेल हो गया, अंदर में जाके दुख के मारे कुंडा लगा के बैठ गया, तीन दिन खाया पिया नहीं। महाप्रभु बड़ा दुखी बोला देखो इतना दुखी हो गया कि हम तेल नहीं लिया, अंदर में जाके वो विचार नहीं किया हम तेल कैसे ले। अंतिम में तीन दिन बाद महाप्रभु वो जगदानंद पंडित जिस कमरे में कुंडा लगाकर बैठा है वो जाके बोला पंडित गुस्सा छोड़ो, आज तुम्हारा हाथ में हम भोजन करेंगे, हम नहाने के लिए जा रहा है, बोल के चला गया। जब भी बोला एकदम तुरंत कुंडा खोलकर रुसी करना शुरू किया, ए जगाई ये तुम्हारा रामाई नंदाई जल्दी आ प्रभु आज भोजन करेंगे, बोल के रुसी करना शुरू कर दिया। तो ये जो गुस्सा है ये समाज का जो गुस्सा है वो ऐसा गुस्सा है, गुस्सा ये प्रेम का गुस्सा, प्रभु साक्षात भगवान ये तो कभी भी किसी भी भोग ले ले कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम कैसे ले, महाप्रभु तो संन्यास का लीला कर रहे। तो ये जो उसमें जो गुस्सा है रूट गया ना, बोले इसमें एक विचार है, ये जगदानंद पंडित जो बहुत गुस्सा हो गया क्यों प्रभु जी निया नहीं, ये गुस्सा नहीं ये प्रेम है, प्रेम की विकार है। इसमें ये विचार आता है, यही विचार आता है कि बाहरी दुनिया में जो गुस्सा है काम है क्रोध है
उसमें सेवा का कोई प्रसंग नहीं है, रूठ गया तो हम सेवा नहीं करेंगे, चले चला गया गुरु कखरे। और यहां जो है, यहां गुस्सा का कारण क्या है, प्रभु जी हमसे क्यों सेवा नहीं लिया, दोनों का मकसद अलग है। एक है प्रभु हमसे सेवा क्यों नहीं लिया, और एक है गुस्सा हुआ हम सेवा नहीं करेंगे, चलो उसका साथ मुख दर्शन नहीं करेंगे। और यहां गुस्सा क्यों, प्रेम का गुस्सा, प्रभु जी हमसे सेवा क्यों नहीं लिया। ये गुप्त, ये जो प्रेम का जो विधि है, प्रेम का जो मार्ग है, इसका बारे में रूप गोस्वामी जी सुंदर लिखे हैं। ओहे रीबो गति ही प्रेमणा स्वभाव कुटिलो भवेत। प्रेम का जो गति है वो सांप का मापी, सांप जानते हो, सांप जैसे ऐसे ऐसे चलता है, सीधा चलता नहीं सांप। इसी रूप गोस्वामी जी लिखे हैं, अहे रीब गति ही प्रेमणा स्वभाव कुटिलो भवेत। प्रेम वास्तव शुद्ध प्रेम का विचार करने बैठे तो दिमाग में तुम्हारा कुछ नहीं डूबे, कुछ नहीं घुसेगा, कैसे समझोगे। प्रेम का जो विषय है राधा रानी गोविंदो का, इस बारे में हम कहाँ चर्चा करें, हमको तो शर्म आता है, कहाँ चर्चा करें, हम कोई है ही नहीं जिसके सामने ये सब बात चर्चा करें। बाद में जगदानंद पुरी ने एक दफे क्या की, प्रभु ने जमीन पर सोता है, एकदम दुबला पतला हो गया, हड्डी में लगता है जब इस जगदानंद पंडित क्या किया, एक तो बालिश बनाया, बालिश जानते हो सोने का, जो सोने का जो मैट्रेस, वो बनाया, तुली बालिश बनाया जैसे कि प्रभु उसमें सो जाए, और सेवक का पास रख के गया, और सेवक सोने का टाइम में महाप्रभु का उधर लगा दिया। महाप्रभु बोले कौन लाया, बोले जगदानंद पंडित ने तुली बालिश लाया, वो आप स्वीकार करो, फेंक दिया, फेंको। जगदानंद को बोलो मेरे लिए एक चौकी लाए, खटिया लाए, हम उसका ऊपर सोए, इसीलिए तो सन्यास हमने किया है ना, जाओ उसको बोलो लाने के लिए एक बड़ा भारी पालंग लाए, राजा लोग सोता है ना पालंग में, वो पालंग लाए अच्छा होगा, ऐसा करके फेंक दिया। बाद में क्या किया, केले का जो छिलका है वो धूप में सुखाकर चीर चीर कर एकदम पतला पतला करके वो बनाया, उसका बाद जो महाप्रभु का व्यवहार किया हुआ जो उत्तरीय बहिर्वास है उसको अंदर में डालकर सीली कर दिया, बोलो इसको थोड़ा स्वीकार कर। प्रभु सोचे कि ये अगर ना स्वीकार तो मर ही जाएगा, आत्महत्या करेगा, खुदकशी करेगा, तो ले ले। तो ये सब बात को हम खुला कैसे, कि भागवत का जो प्रवचन है ये सुनने के बाद अगर ये सब आपका समझ में नहीं आया, सबका लिए मेरा प्यार है, और विशेष करके जो लोग मेरे को स्नेह करता है, मैया सब है, वो तो मेरा जान से भी बड़ा है, लेकिन मेरा एक विनती है जिसमें मेरा चर्चा हो जाए, लोग बोलना शुरू कर दिया महाराज ये हलवा खाता ये खाता वो खाता, इसमें चर्चा में हमको बदनाम मत, ऐसे तो बदनाम है ही है मेरा, अच्छा नाम तो है ही नहीं, ऐसा मत करो, जिसमें आशीर्वाद करो जैसे मैं भजन कर पाए, और जो सेवा गुप्त सेवा है हो जाएगा, अगर सेवा करने की इच्छा है ठाकुर जी आपको प्रेरणा दे देंगे, आज नहीं तो कल सेवा ठाकुर जी ले लेंगे, हम तो निमित्त हमको कुछ चाहिए नहीं, तो हमसे अगर ठाकुर जी को सेवा कराए उसमें अगर आपका सहयोग हो तो करोगे, हम सुजोग दे देंगे, देखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। तो जो श्लोक दे के शुरू किया था उसका थोड़ा बहुत चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे। चर्चा करने का विषय था क्या, वो बोले संसार दुख जलधो पतितस्य काम, ये संसार समुन्द्र के मुताबिक है, तमाम ये जो संसार है संसार समुन्द्र के मुताबिक, ये दुख की समुन्द्र है, ये समुन्द्र में सब डूबे हुए हैं, गिरे हुए हैं, और संत महात्माओं का काम ये है एक एक करके उसको उठा के बाहर ले चले चले। हम कुत्ता का मापी कितना चिल्लाए कहाँ तक हमारा ये आवाज जाए, बोलो
किसी जगह प्रवचन हो तो हजार हजार आदमी रहता है, कभी किसी जगह कम आदमी रहता है, हमारा तो कोई इसमें विचार नहीं है। लेकिन ठाकुर जी के ये जो ठाकुर जी का यही एक कोरोना है, ये कथा जिन लोगों का सामने आज जा रहा है लाखों हजारों आदमी का पास पहुंच जाता है, ये ठाकुर जी का कि इंटरनेट में डीवीडी में आज का ये कथा ठाकुर जी का ऐसा ही कृपा है। हमारा कुछ नहीं है, ना तो बैंक बैलेंस है, ना कुछ नहीं है, बस जैसे अब इधर काजू खिलाते हो मेरे को, ये खिला तो ठीक है, ऐसा करने से हमारा वैराग्य कैसे रहेगा। शरीर जहाँ तक चले तब तक हम स्वीकार करें, तो संसार दुख जलदो पतितस्य काम क्रोधादि न क्रम करई कबलकितस्य। संसार दुख की समुन्दर है, इसमें सारे बद्ध जीव जो है डूबे हुए हैं, और क्रोध काम क्रोध लोभ मोह मदम आश्चर्य जो है सर रिपु सारे कुंभीर है, कोकोडाइल जैसे है, और जलचर जितना सारे प्राणी हैं बहुत भयंकर प्राणी सब हमको निकालने के लिए आते हैं। तिमी है, जानते हो तिमी, व्हेल अंग्रेजी में बोलता है तिमी, और तिमिंग गिल भी है। तिमी माछ का जो आकार है वो दिखने से आप डर जाओगे, तिमी माछ का तिमी मछली जो है उसका आकार देखोगे तो डर जाओगे, इतना बड़ा। और वो तिमी माछ को निकालने वाला तिमिंगिल है, उसका कितना, वो जैसे टैबलेट है छोटा सा पानी देके ऐसा गिलेगा, उसको भी निकाल लेने के लिए तिमिंगिल एक एक जहाज को ऐसा लगाए तो जहाज एकदम उल्टी होके एकदम पूरा गया। आप सोचो ठाकुर जी का सृष्टि के बारे में सोचो, ये प्रपंच में नहीं पड़ना, घर में रहो कहीं भी रहो आंखें मूंद के चिंता करते रहना ठाकुर जी। समुन्द्र का अंदर कितना सारे प्राणी हैं, कभी ऐसा भी तो दिन गया क्या, 1,00,000 साल पहले क्या, हजारों साल पहले ऐसा ही तो हुआ था, मेरा जन्म हुआ था समुन्द्र का नीचे, अब हमारा आदमी बन के जन्म हुआ, मनुष्य शरीर मिला, अब ये सब प्राणी कैसा भयंकर है, जंगल में हमारा शेर जन्म हुआ था, अब हमारा ऐसा सौभाग्य है हमारा गौड़ीय मठ में आश्रय हुआ, बड़ा महात्मा का चरण आश्रय करने का सुजोग मिला, गौरंग महाप्रभु का कथा सुनने को मिला, तो इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता, इससे बढ़कर सौभाग्य तो कुछ नहीं है, इसमें ही तो सारे सौभाग्यों का निचोड़ है। जब ये इधर जो है ओ क्रोधादि नक्रम कर क्रोधादि नक्रम करो कबल की तस्यो, चारों ओर एकदम हंगर कुमीर जो है ऑक्टोपास है वो खाने के लिए मेरे को आ रहा है चारों ओर से, अब हम बाचे कैसे जिए कैसे, क्रोधादि नक्रम करो कबल की तस्यो। और उसके बाद दुर्वासना निगरित दुराशय दुर्वासना निगरित जो है हमारा अंदर में दुर्वासना निगड़ित निराशय, हमारा कोई आश्रय नहीं है। तुम अगर सोचो महाराज हमारा तो आश्रय है वो फ्लैट है, हमारा मकान है उसमें, ये आश्रय नहीं है। आश्रय शब्दों का व्याख्या सुनोगे तो पागल हो जाओगे, इसलिए शास्त्र में बताया गया आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मर्या कारण। ये आश्रय का जो मसला है जो विचार है कभी सुने हैं, कभी सुने हैं, कौन सुने हैं बोलो, विचार बचाओ मेरे को, क्या सुने हो, आश्रय लेना पड़ेगा। जैसे एक देश का साथ दूसरे देश का युद्ध हुआ, जैसे अभी बांग्लादेश जिसको बोलते हो वो पूर्व पाकिस्तान पश्चिम में लड़ाई हुआ, तो उधर का आदमी सारे क्या हुआ, ये हमारा बांग्ला में आ गया, भारत में आ गया, उसका नाम है रिफ्यूजी, उसका नाम है रिफ्यूजी, रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, ये गवर्नमेंट के पास हमको बचाओ, हमको गोली गोला मार रहा है, मर गया हमारा सारे गया, जमीन जायदाद पैसा सब गया, हमको मार रहा है गोली, अब बचाओ। अब जब युद्ध खत्म हो गया देश स्वाधीन हो गया तो वो सब लोग क्या करे, सब अपना
अपना जो झोली है उठाया और फिर बांग्लादेश में चला गया। क्यों? युद्ध खत्म हो गया, देश स्वाधीन हो गया ना। तो वो लोग जो शरण में आया था फॉर हाउ लॉन्ग, वो जो शरण में आया था वो महाराज 6 महीना के लिए युद्ध चला था, 6 महीना के लिए शरण में आया था, 6 महीना बाद देश स्वाधीन हो गया फिर चला गया। जब आप नौकरी करोगे टॉप बॉस जो है उसका बड़ा जो बॉस है बॉस का आपका अनुगत करना पड़ेगा, बोलेगा ना ए मिस्टर ये वो ऐसा करो वैसा करो आदेश करे, तो आदेश को पालन करना पड़ेगा। जब आप नौकरी से छुट्टी हो गया रिटायरमेंट हो गया क्या वो बॉस का बात आप मानोगे हैं? मानोगे नहीं। ऐसा ही है आपका समाज का जो अनुगत्य है, समाज में जो जो एग्जाम्पल है ये अनुगत्य है, ये आश्रय लेना है। स्वामी स्त्री स्वामी का आश्रय लेता है, आश्रय लेता है ना, लेती है ना आश्रय। ये सब जो आश्रय का बात है ये तात्कालिक आश्रय है, तात्कालिक। लेकिन शिष्य जब गुरुचरण में आश्रय लेते हैं वो आश्रय है वास्तविक आश्रय। इसका बारे में श्लोक में बताया, शिष्य जब गुरु वैष्णव के चरण में आश्रय लेते हैं तो वो जो आश्रय है वास्तव आश्रय है, ऐसा आश्रय है जो आश्रय का बात चैतन्य महाप्रभु हमको छोड़ नहीं सकता 100%। अगर हमारा गुरुजी हमको स्वीकार किया है ये हमारा शिष्य है, अंतर से स्वीकार किया, ये जीवात्मा को हम स्वीकार किया, तो महाप्रभु का हिम्मत भी नहीं है जो हमको फेंक दे। महाप्रभु का हिम्मत नहीं जो हमको फेंके, क्योंकि हमारा गुरु जी ही लिया। अगर तुमको कोई गुरु वैष्णव अंतर से स्वीकार के ये मेरा सच्चा मैया है ब्रजवासी का माफिक, ब्रजवासी मैया का साथ दुनिया का किसी माता जी का तुलना नहीं होता। हम किसी का हाथ में खाते नहीं, क्यों? हम जानते कोई अगर उल्टा गड़बड़ी है तो हमारा भजन में उल्टा बिखेप हो जाएगा, लेकिन शुद्ध माता जी है वो, बड़ा भजन में बड़ा ताकत है, शुद्ध भक्ति है। बामन गोस्वामी महाराज भी सब विचार करके तभी स्वीकार किए, ऐसा कोई नहीं नहीं। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज एकादशी का दिन उपवास निर्जला, एकादशी का नेक्स्ट डे जो व्रत खोलना है, द्वादशी का दिन वृद्धा मैया ब्रजवासी का मापिक उसका पास जाके पारण करते थे। इसका अगर नकली तुम करोगे तो मुश्किल है। गौरकिशोर बाबा जी महाराज कभी कभी द्वादशी का दिन वो ये मैया बूढ़ी मैया के पास जाके पारण करते और जाके चुपचाप भिखारी का मापिक बैठ जाते थे, मैया के पत्तल केला पत्तल में सारे भोजन दे दिया और प्रसाद तुलसी तुलसी है माथा नीचू करके प्रसाद का सम्मान करके धीरे धीरे पाया। और माता जी ने उसका जीवनी में है, माता जी ने एक जगह मंतव्य की जे बाबा को अगर हम मिर्चा तेजिया पत्ता वो अगर उठा के ना अलग कर दे तो बाबा क्या तेजिया पत्ता को चिबा के खा जाएगा? बोले प्रसाद है फेंकना नहीं, तेजिया पत्ता मिर्चा दे दिया ज्यादा वो कष्ट होगा फिर भी खा लेगा, बोले ये प्रसाद है। ऐसा भी संत महात्मा है वो पत्तल को भी चिबा के खा लेता, बोले ये प्रसाद है उसमें लगा हुआ, तुम्हारा दिमाग उस तक नहीं जा पाएगा, इतना ऊंचा विचार है। तो जो भी है ये जो है इसमें क्रोधादि न क्रम करो ही कबल की तस्व दुर्वासना है सर्व रिपु जो है निगरित निराश्रयस्व, हमारा आश्रय नहीं है, हमारा आश्रय नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, हम निराश्रय है। और इसी अवस्था में चैतन्य महाप्रभु तुम अपना चरण को अवलंबन दे दो, आश्रय दे, मैं भी सहारा हूं, हमारा घर है दार है सब कुछ है, ये बेकार की बात है, हमारा कुछ नहीं है, हम निराश्रय है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का जो वैराग्य है इसका बारे में अगले दिनों में दो एक अगले दिनों में हम विचार करेंगे, कितना दैन्य है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का, गोस्वामी लोगों का। सनातन रूप हरिदास जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे, क्यों? वो बोलते थे हरिदास बोलते तो हम तो नीचा जवन कुल का है,
हरिदास और ये सनातन रूप कहते थे हम तो जवन कुल का संग किए, हम नीचा संग किए, हम जगन्नाथ मंदिर में घुसने काबिल नहीं है, हम जगन्नाथ मंदिर में जा नहीं सकेगा। वो सोचो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, वो बोलते हैं जगन्नाथ मंदिर में कैसे हम घुसे, हम तो पतित है रूप सनातन, जबकि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा ब्राह्मण कुल का है, सबसे ऊंचा ब्राह्मण कुल का है भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण। वो बोलते हैं हम पतित हैं, हमारा कोई कीमत नहीं है, हम कैसे जगन्नाथ मंदिर में घुसे। सिर्फ इतना ही नहीं, जगन्नाथ मंदिर का आजू बाजू में उसका यातायात भी खत्म बंद कर दिया, क्योंकि हम जगन्नाथ मंदिर का अगल बगल से जाए, अगर पंडा लोगों का साथ मेरा स्पर्श हुआ, मेरा छाया पर गया पंडा लोगों का, जगन्नाथ का सेवा तो हो नहीं हमारा पर। इसका सुनने का बाद हमारा दिल में क्या गुजारेगा बोलो, ये सब सुनने का बाद हमारा हृदय में क्या गुजारेगा। देवरूप सनातन कहते हैं कि अगर हमारा शरीर का परछाई छाया अगर पंडा लोगों में पड़ जाए तो जगन्नाथ का सेवा बिगड़ेगा, इतना दैन्य है। एक दफे सनातन गोसाई महाप्रभु से मिलने आए, महाप्रभु बोले सनातन किस रास्ते से आए हो, प्रभु जानते हैं सब, किस रास्ते से आए हो। सनातन बोले क्यों, समुन्दर का रास्ता से। समुन्दर का रास्ता से, समुन्दर का रास्ता से आए हो, वो तो इतना धूप है कड़ा, आपका चरण जल गया होगा, आपका जो चल चरण है वो जल गया होगा, देखो ठीक से, हमारा खुद का हुआ है, हम एक दफे गया, आने का टाइम में खाली पे नंगा पैर है और समुन्द्र एकदम जल के एकदम। तो बाद में ये चैतन्य चैतन्य उसको पता चला सनातन गोस्वामी के कितना कष्ट हुआ होगा, हम दौड़ के आए, इधर भी हुआ ब्रजमंडल में एक दफे तो पुरी में हुआ, एक दफे ब्रजमंडल में हुआ, 84 कहते कहते एक बाबा ने बोला महाराज इतना घूम के क्यों जाओगे, इधर से सीधा चले जाओ, आपका बरसाना का मंदिर मिल जाए, मान मंदिर। हमारा बुद्धि खराब हो गया, हम उसका बातों में आ गया, हम बोले चलो टाइम थोड़ा शॉर्ट हो जाए। गोवर्धन परिक्रमा में हम कभी शॉर्ट परिक्रमा नहीं करते, जो करते हैं उसका साथ हम बात नहीं करते, अंदर का परिक्रमा नहीं करते, बाहर से हर वक्त मेरा नियम है, हाँ जब भी करो। तो वो शॉर्ट परिक्रमा कर, वो राधा जी वो मान मंदिर में जाने के लिए शॉर्ट लगाया, ओह महाराज जैसे मरुभूमि के ऊपर दो पार गया तो जलते रहा। हमने क्या किया, हमारा पगड़ी जो था उसको खुला पानी में भिगाए, पानी में भी हाथ में रखा, 2-10 कदम गया फिर वो पगड़ी को उधर रखा, उसका ऊपर खड़ा हो गया दो, क्योंकि बालू है कहां करा रहे, जलते रहे, जलते जलते 2 घंटा फिर उस रास्ता को पार किया। हम बोले ठाकुर जी और नहीं, हमारा जितना समय लगे हमें ऐसे परिक्रमा करें। तो सनातन गोस्वामी का पूरा पैर जल गया है फिर भी कष्ट का अनुभूति नहीं हुआ, कष्ट का कोई अनुभूति नहीं हुई। महाप्रभु बोले सनातन किस रास्ते से आए हो, बोले क्यों प्रभु हम समुन्दर के रास्ते में। समुन्दर के रास्ते में, वो तो बालू है, तब तो बालू है, तुम्हारा चरण जल गया होगा, कैसे 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 ऐसे आना पड़ा। बोलो अगर उस रास्ता से आया पंडा लोगों का साथ मेरा स्पर्श हो जाए तो मुश्किल है, कितना दैन्य है पूछो, ये बनावटी दैन्य नहीं है। तो आश्रय जो है, ये आश्रय जैसा हम बताए अभी अब विचार किए, आपका जिंदगी में आवार ऐसा आश्रय सिद्ध हो जाए तो सोचो कि इसी जन्म में आपका बेरा पार हो जाएगा 100%, क्योंकि जो गुरु आपको मिला है वो जो गुरु मिला है वो धोखेबाज नहीं है, आपका जिंदगी में जो गुरु जी मिला है वो धोखेबाज नहीं है, पक्का गुरु। लेकिन आपको पक्का होना चाहिए, हैं इसलिए ऐसा है जे क्रोधादि नक्र मकरी कबलिकत दुर्वासना निगड़ित निराश, दुर्वासना से भरपूर है अंदर में, और उसके बाद बोला निरा हमारा कोई आश्रय नहीं है, हाँ चैतन्य महाप्रभु कृपा करके अवलंबन दे दे तो हमारा बेरा पार हो जाए, नहीं तो संभव नहीं। इसका बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी का 2-4 श्लोक हम बताएंगे बाद में अगले दिनों में,
आज इतना शब्द क्यों बताया कि अगर कुछ गलती भावना हमारा हृदय में रहे तो भागवत का असली चर्चा अभी शुरू होने जा रहा है, दिमाग पे कुछ नहीं घुसेगा। काल ब्रह्मा जी ने इतना विनती की, किसको? ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को विनती की, ठाकुर जी आप मेरे को वंचित नहीं करना, परावरी यथा रूपे जानियम ते तो अरूपीण, हम जानते हैं तुम्हारा कोई जगत का रूप नहीं है, तुम्हारा जो मेटेरियल जगत का जो रूप है, रूप रस ये तो शब्द स्पर्श गंध जो दुनिया का आदमी भुगतते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, ऐसा माफिक तुम्हारा कोई रूप नहीं है, मतलब तुम्हारा अपराकृत रूप है। लेकिन ठाकुर जी मेरे को जो सृष्टि का बारे में आप लगा रहे हो, मेरा ऐसा ना हो जाए कि बंधन हो जाए, क्योंकि सारे सृष्टि का विषय मतलब उसमें रजोगुणी भाव होगा ही, रजोगुणी भाव ना हो वो सृष्टि कैसे होगा। ब्रह्मा को रजोगुणी भाव में विभावित कर ठाकुर जी रजोगुण का अधिष्ठात्री देवता बना दिया। शंकर जी को तमोगुण का अधिष्ठाती देवता बना दिया, और विष्णु तो सतगुण का अधिष्ठाती देवता है ही है। तो शंकर भगवान तमोगुण का अधिष्ठाती देवता है, इसका मतलब ये नहीं कि शंकर स्वयं तमो है, तमोगुण में नहीं। शास्त्र में विचार है, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा सम्भु पुराणानाम तु इदम भागवतम। वैष्णव का मापिक शंकर का मापिक वैष्णव दुनिया में है नहीं, तो कैसे तुमगुणी तमोगुणी बन गया? बोले महाराज वो आगा तमोगुण का आश्रय लेके, जैसे पुलिस वाले जो है, पुलिस वाले में ऐसा देखा बहुत बड़ा वैष्णव, पुलिस वाले पुलिस का काम करते बड़ा वैष्णव, और जब पुलिस का काम करने जाते तो पुलिस का वर्दी पहनना पड़ता है, पुलिस का वर्दी है ना, पुलिस का वर्दी नहीं है, पुलिस का वर्दी पहन के जाओ, इधर बैच लगा दो WBS ऐसा करके, वेस्ट बंगाल सिविल पुलिस ऐसा लगा दो, CP लगा दो, बैच है ना। तो वो जो वर्दी लगा के जाते हैं तो उस टाइम पे उसको तो नौकरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तनख्वाह लेता है, अंतर में भक्ति है, लेकिन बाहर में डंडा लेके पुलिस मारते हैं किसको, चोरों को, बदमाशों को, क्योंकि उसका काम ही है, सरकार उसको ये काम दिया। ऐसा ही सोचो कि श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी वो मैजिस्ट्रेट का काम करते थे, जब बीस किशन को पकड़ के ले आने के लिए गया, बीस किशन कितना मंत्र तंत्र षड्यंत्र किया भक्ति विनोद ठाकुर के मारने के लिए, ऐसा उसका मंत्र पता था, वो मंत्र से आप मर जाओगे तुरंत। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भागवत लेके पढ़ रहा है और उसका चारों ओर मंत्रों का जो प्रभाव है वो काट रहा है, सुदर्शन। भक्ति विनोद ठाकुर भागवत जी लेके, भागवत का मूल उसको लेके बैठा हुआ है, आप बीस किशन उसका मंत्र लगाया जैसे मर जाए, और भागवत है चारों ओर से मंत्र आके घूम रहा है, कुछ नहीं कर सकता। ये घटना को हमने पहले भी खोला था, इस जो हरिकथा हुआ था कालना में, एक बाबा जी महाराज भगवान दास बाबा जी महाराज, बड़ा सिद्ध महात्मा, इसका साथ एक इसका पास एक मैया आके रोना शुरू कर दिए, बड़ा फूट फूट के मैया, और बाबा बोले रो रही क्यों, रो क्यों रही? बोला हमारा लड़का का मौत है, सांप काट कर मरेगा, सांप ने डसेगा बब लड़का मर जाएगा, और वो समय आ गया, और दो एक दिन का अंदर ही ऐसा होने वाला, ऐसा विचार है, आपका चरण में लड़का को हम फेंक के जा रहा है, इच्छा है तो आप बचाओ नहीं तो मारो, जो आपका इच्छा। बाबा का पास हो मासूम बच्चा, ज्यादा भाई छोटा सा उम्र, तीन चार साल का, उसको फेंक के चला गया, बोला आपका चरण में दे दिया, मैया चली गई। और जिस दिन सांप डसने का विषय है, उस दिन महाराज क्या की, महाराज रात का टाइम में पूरा रात नाम करते हैं, और बच्चा के बोले, बच्चा को एक लाइन दे दिया, चौक जो है ना संस्कृत में कठिन बोलता है चौक, ये चौक देके मार्किंग कर दिया, और मंत्र करके
सब व्यवस्था कर दिया। बोल बच्चा को बोला, ए डरना नहीं, मैं तेरा सामने ही बैठा हुआ, ये भजन कुटी तू इधर है, चुपचाप बैठे रहना, एकदम हिलना नहीं, चुपचाप, नहीं तो सांप डसेगा। और बच्चा तो थर थर कांप उठे, चुपचाप बैठे हैं और रो रहा है बच्चा, तो रो रहा है, हमको सांप डसेगा। इतने में जब महाराज जी भजन कर रहा है, महाराज जी भजन कर रहा है, इतने में जब रात 12:30 तो सांप आ गया, सांप आ गया, सांप बच्चा कुछ नहीं किया, सांप आ गया, क्योंकि काल प्रेरणा देता है। सांप जो है, इसका प्रसंग भागवत में आएगा, जब जन्मे जय जी जब सर्प विनाश यज्ञ शुरू किए, सारे सर्पों को हम मारेंगे, तो ऊपर से प्रार्थना आया सब आके, सर्प लोग क्यों मार रहे हो, सारे सर्प आपका क्या किया बोलो, ये तो झूठा बात है, उसका तकदीर में ये लिखा हुआ था, उसीलिए सांप आया। जिसका तकदीर में लिखा हुआ है सांप डासेगा, कहीं भी रहो, बहुला लखींदर का बात सुने हो, वो लोहे से कमरा बनाया था, भले जैसे सांप किसी भी हालत घुस ना पाए, लेकिन उस सांप का देवी जो है मनसा देवी, आ गए तेरा खानदान उजर कर देंगे, छोटा सा सुरख रख दे, छोटा सा सुरख रख दिया, और उनमें से छोटा सा एक सांप उसका अंदर गया और उसको डांस दिया, मत हो गया। जिसका लिखा है तकदीर में होगा, अब बच्चा का तकदीर में लिखा हुआ है सांप आ गया, ऐसा कर रहा है, फौस फौस कर रहा है, और बच्चा एकदम रो रहा है, बाबा जी मां बोल चुपचाप बैठे रहना, बिल्कुल वो सांप तो अंदर घुस नहीं पा रहा, क्योंकि लाइनिंग है ना, सांप घुस नहीं जा रहा, घुस नहीं पा रहा है, और ऐसा ऐसा कर रहे, घंटा डेढ़ घंटा ऐसा भोंस फोंस करते करते जब कुछ नहीं कर पाया, और महाराज नाम कर रहे, ठाकुर जी को शरण कर, गौरांगो, फिर उसके बाद सांप घूम के चला गया, बस उसका जो मौत का जो वो जो लिखा हुआ था उसको खंडित कर दिया, कर दिया। और एक दफे उसी कलना में हुआ था, एकादशी का दिन रात्रि जागरण करना विधि है, एक गृहस्थी भक्त वो रात जागरण कर रहा है अकेला, गौरनिताय स्वयं हो गया, गौरीदास पंडित का जो पाठ है उधर कालना में, वो गौरनिताय साक्षात गौरनिताय, वो चलता फिरता विग्रह है, गौरीदास पंडित ने परीक्षा ली है, जब रो रहा था गौरीदास पंडित, हमको छोड़ के क्यों जाओगे, हम तो मर जाएंगे, बोले ऐसा करो तुम हमारा विग्रह बना लो, हमारा विग्रह बना लो गौर नेताए, और विग्रह को रख लो, हमारा तो बहुत सारे काम है, हम जाए, बोले ना ऐसा नहीं चलेगा, विग्रह से काम नहीं चलेगा, विग्रह से हमको ही चाहिए, ठीक है, तो मंदिर में आके खड़ा हो गया, अब विग्रह चलना शुरू कर दी, अब जाके विग्रह को पकड़ा, भर जाओ, विग्रह बोले तो किसको रखोगे, हमको रखोगे कि उसको रखोगे, एक ही तो है, जब विग्रह को पकड़ लिया तो मंदिर में गौरनिताय खड़ा है, गौरनिताय जब उधर उसको पकड़ रहा है तो वो जा रहा है, बोला हम एक ही है, विग्रह को मान लो और पूजा करो, सेवा करो, वो गौरनिताय उसी जो वो जो पाठ है उसी पाठ जहां गौरंग गौरंग मापो जाते थे भोजन करते थे वही सिद्ध पाठ है, उसमें एक भक्तो रात को कर रहा था माला करते करते एक जगह बैठा, चारों ओर वृक्ष है, उसमें मंदिर है, मंदिर शयन है ठाकुर जी, और एक गोखरो सांप आके उसको डांसा, हाथ ऐसा रखा किसी जगह, और गोखरो सांप ने एक डांस लिया हाथ में, डांसने का साथ साथ वो तो एकदम कांपना शुरू कर दिया, लेकिन चिल्लाया नहीं, एक शब्द बोला नहीं, हा करके चिल्लाया ना, तुम होते तो चिल्लाते, एक बात नहीं किया, क्योंकि हम अगर चिल्लाए तो ठाकुर जी का शयन का विघ्न होगा, जब ऐसा डांसे तो हाथ को पकड़ लिया, नाम करते रहे हरे कृष्ण ऐसा करते कर, नाम करते करते जहां चरणामृत का पात्र है, चरणामृत का वहां जाके ऐसा ऐसा करके एक एक कर चरणामृत तो लेता है और चिल्ला रहा है, अंतर में, बाहर में चिल्लाने का कोई आवाज नहीं,
चरणामित ले रहा है क्योंकि उसको पता है चरणामित सारे सर्वदोष हरो हरा सर्वदोष हरण कर सकता है, सारे कष्ट लिखा हुआ है चरणामित तो पाते हैं पूरा एकदम ऐसा करके अंतिम में अज्ञान होके गिर गया। सुबह में लोग देखा, लेकिन वो भक्तों को मरना चाहिए था, मरना ही तो गोकरो काटा, गोकरो सब काटा, लेकिन वो सांप का विष चला गया साक्षात गौरांग का कृपा के द्वारा। ऐसा कई घटना है, आपको विश्वास हो तो अच्छा है, न विश्वास तो मैं क्या करे। तो इधर जो गौरांग महाप्रभु ठाकुर जी का ऐसा ही है, ठाकुर जी अगर चाहे तो कुछ भी कर सके। हाँ तो ऐसा है, परावरे यथा रूपी जानियम ते तु आरोपिण, हाँ ठाकुर जी तुम ऐसा करो, तुम हमारा जो प्राकृत अप्राकृत जड़ और चिन्मय दोनों विषय पर अप्राकृत ज्ञान हमको हमारे हृदय में दे दो। देने से क्या होगा, हम संभाल के काम करेंगे। तो तमकुंड का अधिष्ठाती देवी देवता का बारे में बता रहा था। अब ब्रह्मा को आप बोलोगे कि आप रजगुण का अधिष्ठाती देवता, ये तो है ही है, लेकिन अंदर में भक्ति है। ब्रह्मा को आचार्य माना ना, ब्रह्मा को आचार्य नहीं माना, नहीं माना गुरु परंपरा ब्रह्मा इतने चतुर्मु हाय कृष्ण सेवन क्यों बोलते हो, तो आचार्य माना ना आदि आचार्य। तो आचार्य अगर रजोगुनी है तमोगुनी है तो किस काम का है ना, यही तो विचार है। तो ब्रह्मा जो है बाहरी दृष्टि में रजोगुण बना के रखते हैं, क्योंकि नहीं तो सृष्टि का काम नहीं चलेगा, जैसा पुलिस का वर्दी है ऐसा ही है। लेकिन अंतर में भक्तिविनोद ठाकुर भी बाहर में बिस्किसन को दमन करने के लिए बाहर में क्या मैजिस्ट्रेट का बेस है। अब बिस्किसन पूरा भक्तिविनोद ठाकुर का पूरा खानदान को मारने के लिए मंत्र तंत्र किया और अस्वस्थ भी हो गया, सारे लड़का बीबी सब अस्वस्थ हो, फिर भी भक्तिविनोद ठाकुर नहीं घबराए, भजन करते रहे। बाद में बिस्किसन को लेकर जेल का अंदर डाल दिया, जा कुछ कर नहीं पाए, ऐसा भक्त लोग है। तो यहां जो है ब्रह्मा जी रजगुण का जो बाहरी आवरण है इसको बना के रखते हैं, क्योंकि नहीं तो सृष्टि का कार्य नहीं चले। लेकिन अंतिम में बड़ा भारी बड़ा आचार्य है, बड़ा भारी आचार्य। और ब्रह्मा जी से नारद जी भी अभी काल बताया था सायंकालीन अधिवेशन में, सुबह में भी थोड़ा बताया था, जो ब्रह्मा जी से नारद जी को भगवत तत्व विज्ञान मिला, उपदेश सुना। और इधर जो है ठाकुर जी को कैसे ठाकुर जी कैसे ब्रह्मा को भगवत तत्व विज्ञान दिया है, इस बारे में चर्चा आएगा। इस विषय ये चतुश्लोकी भागवतम, इसमें थोड़ा बहुत अभी व्याख्या करें, अब बाद में और व्याख्या करेंगे शाम को, बहुत ज़्यादा अभी तो समय है थोड़ा, कोई बात नहीं। और ये जो है इसमें देखो, ज्ञानम परमम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम सारहस्यम तदंगं च गृहान गदितम मया यवानाहम यथा भावो यद रूप गुण कर्मकः तथैव विज्ञानमस्तुते मदनुग्रहात् अहमिवासमिवाग्रिणान्यत् यत् सदसत् परमम् पश्चादहम यदि तच्च जवशिष्यत सोऽस्मि अहम् रीते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्वाद् आत्मनमायम् यथा भास यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वहम् प्रविष्टान् अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्य व्यतिरिक्याभ्याम यत् सत् सर्वत्र सर्वदा एतत् मतं समातिष्ठ परमेन सवाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमोह्यति कहिचित्। ये श्लोक को व्याख्या किया था अंतिम, एतत् मतं समातिष्ठ परमेन सवाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमोह्यति कहिचित्। तुम्हारा जिंदगी में मोह नहीं आएगा, जब भी तुम रजोगुण का
प्रभाव रज रजन रजगुण का प्रभाव के द्वारा सृष्टि का क्रियाक्रम चला रहे हो, लेकिन मेरा आशीर्वाद रहा आपको, रजगुण बाहर में है लेकिन आपका जो भक्ति है, आपका जो तत्व विज्ञान है बिगड़ेगा नहीं, रहेगा। बाबा अनुकल्प विकल्प से न विमर्जित कहिचित, मोह प्राप्त नहीं, अर्थात अज्ञान आपको, अज्ञान आपको ग्रास नहीं करे। तो इधर जो आता है ज्ञानम परम गुझंग जत विज्ञान सम, यहां ये शरणागति, जो शरणागति का बारे में, आश्रय लेने के बारे में जो चर्चा पहले हम आधा घंटा एक घंटा किया, अब इस विचार को देखो। इधर ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि ज्ञानम परम गुझंग जत विज्ञान समन्वितम, हमारा जो ज्ञान है ज्ञानम परम गुझंग में, हमारा ज्ञान बड़ा गुप्त ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान है बड़ा गुप्त ज्ञान है। ज्ञानम परमम गुज्जम यजत विज्ञान समन्वित, ये सिर्फ ज्ञान ही नहीं, विज्ञान के साथ जोड़ा हुआ है विज्ञान। असह रहस्यम तदंगंच, सिर्फ ज्ञान नहीं देंगे, ज्ञान क्या, भगवान का जो स्वरूप का ज्ञान है, भगवान का जो स्वरूप, भगवान का स्वरूप का विषय जो ज्ञान है वो ज्ञान, और भगवान का शक्ति का साथ उसका जो संबंध है उसको बोलता है विज्ञान। समझा मेरा बात, भगवान का स्वरूप का विषय में जो ज्ञान है, जो विचार है उसका, वो जो है वो है ज्ञान। लेकिन शक्ति का साथ, भगवान का जो अनंत शक्ति, शक्ति का साथ उसका क्या संबंध है, ये जो विचार है इसको विज्ञान बोला जाता है। और रहस्य है कौन, भले ये जो जीव है, जितना सारे जीव, हमारा रहस्य जीव जो है, जितना सारे जीव है अनंत जीव, वो जीव सब जो है वो सब रहस्य है, कब कहां पहुंच जाता है, कैसे उसका दूसरा जन्म होता है, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे मरते रहते जन्म रहते हैं। ये आत्मा, वो खुद जीवात्मा जो है, इसका बराबर मिस्ट्री है, रहस्य है। और प्रधान हमारा अंग, क्योंकि प्रधान बिना तो हम तो ये सब जो चक्कर है सृष्टि हम कर नहीं सके, तदंगंच। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये जो हमारा ज्ञान है, हमारा स्वरूप का ज्ञान, शक्ति का साथ हमारा जो संबंध है, इसमें क्या गुरु विचार है, वो है विज्ञान। उसके बाद जो जीव राशि अनंत जीव सब, ये मेरे रहस्य है, कोई नहीं जानता जीवों का क्या होता है, क्या दशा होता है, कहां मरते हैं, कहां जाते हैं, हैं इसी का बारे में पूछा था ना, कौन नचिकेता जमराज जी को, आत्मा का रहस्य बताओ, अरे आत्मा का बारे में मत पूछो, तमाम दुनिया का ऐश्वर्य जो तुमको दे देते हैं, नहीं ये बात मत पूछो, बोल नहीं हमको यही चाहिए, आत्मा का बारे में जो गुप्त रहस्य है उसका ज्ञान हमको दे दो, नहीं ये ज्ञान नहीं दिया जाएगा, मुश्किल है ये ज्ञान लेके क्या करोगे तुम, दूसरा चीज ले लो, जो मांगो वो दे दे, महाराज देना है तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं, हमको चाहिए नहीं। क्योंकि दुनिया में अगर किसी भी चीज रहने वाला नहीं है, आप अगर पूरा धरती का राज, पूरा धरती का राज दे दो, हम राजा बन के रह जाए तो क्या फायदा है, आज नहीं तो कल तो मरना ही पड़ेगा। धरती में जितना सारे राजा हुआ है, क्या वो लोग अभी जिंदा है, प्रकट है, सारे गया है ना, सारे प्रकट हो गए, अब प्रकट हो गया, तो हम ये सब लेके क्या, हम दुनियादारी का चीज, नाशवान चीज हम नहीं लेने वाला, आपको देना है तो इसी ज्ञान को ही देना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं लेंगे। जमराज बोला बड़ा बड़ा बड़ी मुश्किल है। तो बाद में ये आत्मा का बाड़े में गुरु रहस्य जो है ये ज्ञान को दान कर दिया, लो नचिकेता को, नचिकेता ये ज्ञान लिया, ठाकुर जी ना दे तो हो नहीं सकता। तो जो भी है इधर जो है भगवान कहे जो गृहानुगोदितंग मया, इधर एक तो चीज आता है ये शब्दों को ध्यान देना, जे गृहानुगोदितंग मया, हम बोल रहे हैं और तुम ग्रहण करो, हम अगर ना बताए तो ये ज्ञान तुम्हारा जिंदगी में आने वाला नहीं है, हम दे तो इसमें जोर जबरदस्ती नहीं चलेगा, इसमें पैसा का ताकत, धन बल, जन बल, लोग बल, विद्या बल, कुछ नहीं चलेगा, कोई चैलेंजिंग मूड,
कोई चैलेंजिंग मूड इधर नहीं चलेगा, हम देख लेंगे, बूझ समझ लेंगे। कोई आदमी बोलता है महाराज आप अगर समझाओ तो हम समझ जाएंगे, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे तो है ही है, लेकिन समझाए तो समझ सकोगे? बोला हाँ हो जाएगा, अब समझाओ, गुरुचरण क्या दरकार है? हम बोले महाराज आप गलत कह रहे हो, सही नहीं कर रहे। बोले कैसे? हम तो पढ़ा लिखा है, हम तुम पढ़ा लिखा है, अभी तुम किस चीज लेके पढ़े हो? बोले इकोनॉमिक्स लेके पढ़े हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स लेके पढ़े हो, अभी तुम्हारा सामने अगर प्रैक्टिस जो अगर अप्लाइड फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बोलना शुरू करते हो, समझेगा कुछ? वो समझेगा नहीं, क्योंकि उसका बारे में उसको मिनिमम जानकारी है नहीं। कुछ चीज जानने का लिए इच्छा हो तो उसका लिए मिनिमम कोई क्वालिफिकेशन का जरूरी है, तो ये होगा नहीं। ठाकुर जी बोले गृहाणो गोदितंग मया, हम दे रहे हैं तो आप ग्रहण करो, नहीं तो आपका हृदय में ये ज्ञान कभी नहीं आने वाला। यही एक बात होता है शरणागति का भाव। जब किसी का हृदय में 100% शरणागत हो जाता है जो जीवात्मा, तब उपनिषद में बोला, क्या बोला उपनिषद में? सुंदर विचार है, नायन आत्मा प्रवचने लोलभ्य न मिधया न बहु न श्रुते न जम एव एशो बिणिते तेनो लभ्य। जिसको ठाकुर जी ग्रहण करे वो ही जान सकेगा, बाकी संभव नहीं। तो यहां आता है शरणागति का भाव और ज्ञान के बारे में स्वरूप ज्ञान के बारे में जो है, और तत्व विज्ञान जिसको लाभ हो गया अर्थात ज्ञान और विज्ञान, तो स्वयं उसका जो रहस्य अर्थात ये जो जीवात्मा का बारे में, आत्मा का गति के बारे में ज्ञान आ जाता। उसका बाद जो है तदंगन चो अर्थात प्रधान क्या चीज है, सृष्टि का जो रहस्य का वर्णन हो उधर आएगा, प्रधान और प्रकृति दोनों मिलकर सृष्टि का रचना हो सकता, नहीं तो होता नहीं। तो इधर जो है भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो हमारा जो अद्वैय ज्ञान तत्व, हमारा जो तत्व है तो अद्वैय ज्ञान तत्व दोनों नहीं है, एक ही है। भक्ति विनोद ठाकुर व्याख्या कर रहे हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद भी व्याख्या किए, कई व्याख्या है उसमें। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि देखने में एक एक तत्व है, क्योंकि वो अद्वैय ज्ञान तत्व नौ द्वय, अद्वैय ज्ञान तत्व होने से भी ये तत्व चार विभाग होकर लीला कर रहे हैं। समझा मेरा बात? समझा नहीं, एक ही है तत्व विज्ञान एक है, लेकिन अद्वैय ज्ञान तत्व, लेकिन अद्वैय ज्ञान तत्व होने से भी ये तत्व चार विभाग होकर आपका सामने पेश किया गया। कैसा है? एक तो बोला ज्ञान, उसका बाद विज्ञान, ज्ञान विज्ञान रहस्य, उसका बाद तदंगमंच तदअंग, चारों विभाग होकर, चारों भाग होकर ये सृष्टि का हमारा जो प्रपंच और प्राकृत जगत सबका विषय ये चारों में है, लेकिन होने से भी, लेकिन ये तत्व जो है ये तत्व एक ही तत्व है। और हमारा जो चारों संप्रदाय है, चारों संप्रदाय कौन कौन? मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, चार आचार्य है। आचार आचार्यों के द्वारा एक एक करके सिद्धांतों का मार्ग खुल गया। परम तत्व वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो चार मार्ग है, चार मार्ग हमारा पद्म पुराण में इसी को ही बोला गया, जो चार संप्रदाय ये ऑथेंटिक संप्रदाय है। संप्रदाय विहीना जे मंत्रहा ते निष्फला मतहा इत्यादि विचार आता है पद्म पुराण का। संप्रदाय विहीन अगर किसी मंत्र आपको प्राप्त हो गया तो वो मंत्र से आपको ठाकुर जी मिलेगा नहीं। केशव गोस्वामी में सुंदर व्याख्या किया इसको। कोई अगर बोले
कोई अगर बोले कि महाराज चार भाग हो गया, कैसे चार पार्ट, चार संप्रदाय, हमारा संप्रदाय काम नहीं होगा। लेकिन पद्मपुराण विचार है, संप्रदाय विहीना जे मंत्रास्ते निष्फला मता। चारों संप्रदाय को पूरा तमाम शास्त्रों का विचार का आधार पर ऑथेंटिक माना गया, अर्थात चारों संप्रदाय का एक किसी एक संप्रदाय के साथ आपका अगर कनेक्शन है, अर्थात उसी चारों संप्रदाय में किसी एक संप्रदाय का कोई सदगुरु का चरण आश्रय हो गया होगा, तो आगे चलकर अगर भजन आपका हुए तो ठाकुर जी प्राप्ति होने का संभावना है। भजन ना करे तो सदगुरु प्राप्ति होने के भी कोई फायदा नहीं, समझा मेरा बात। और चारों संप्रदाय के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बाहर एक उठपटांग इतना हजारों संप्रदाय निकाला है, उसमें मंत्रों ले लो तो उसमें काम नहीं होगा, ठाकुर जी मिलेगा नहीं, ऐसे शास्त्रों का विचार है। कोई अगर आपको बोले गंगा पानी लाओ, आप बोले सभी तो पानी एक ही है, बोल के एक जगह गया उसमें पानी उठा के लाए, हम बोला गंगा पानी लाए, बोल ना महाराज हम तो दूसरा नदी का पानी लाए, क्यों लाए, हम तो बोले गंगा का पानी लाओ। गंगा का पानी लेने के लिए जहां से गंगा बहती हुई जा रहे है वहां जाके आपका गंगा का पानी लेना पड़े, नहीं तो आपको गंगा का पानी कहाँ मिलेगा। जहां जहां से गंगा जा रही है वहां जाके गंगा का पानी ले। तो मंत्र भी ऐसा है, इस परंपरा के अनुसार जिस संप्रदाय सदगुरु का माध्यम हमारा जो ये परंपरा है, इसमें हमारा पास अगर वास्तव शुद्ध मंत्र आ रहा है तो ये जो है वो कामयाब होगा। इस बारे में बलदेव विद्याभूषण बड़ा भारी विचार प्रस्तुत किया, बलदेव विद्याभूषण सुंदर विचार प्रस्तुत किया। बलदेव विद्याभूषण बोले जो संप्रदाय का शुद्धि का जरूरी है, बलदेव विद्याभूषण लिखे संप्रदाय के शुद्धि का जरूरी इसलिए है, संप्रदाय में कोई मिलावटी आ गया, बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं संप्रदाय के शुद्धि का जरूरी है। अगर कोई मिलावटी हो गया मतलब परंपरा के अनुसार कोई ऐसा हो गया कि उसमें परंपरा का जो धारा है ये रक्षित होना संभव नहीं है, इसका बारे में लिखा बलदेव विद्याभूषण। परंपरा का शुद्धि कैसे हो जाए कि गुरु परंपरा के अनुसार, हमारा गुरु जी प्रभुपाद जी का अनुगत्य किया तो प्रभुपाद जी का मंत्र जो है बहुत प्रभुपाद जी से हमारा गुरु जी को मिला है। अगर गुरु जी का अनुगत्य हम वास्तव कर रहे हैं तो प्रभुपाद का मंत्र गुरु जी का आएगा शक्ति, और गुरु जी हमको देंगे वही शक्ति चलेगा। अगर हम बेईमानी करना शुरू कर दी गुरु वैष्णव का साथ, गद्दार हो गया, गद्दारी करना शुरू कर दे तो हमारा अंदर में मंत्रों का जो प्रभाव था गुरु जी दिखा दिया, सारे खत्म हो गए, समझा मेरा बात। जब भी हम परंपरा का लाइन में है तो हम बेईमानी किया गुरु वैष्णव का साथ तो मेरा ऊपर जो गुरु जी का कृपा था कि तक खत्म हो गया, अब हमसे कोई दिखा ले तो उसका सत्यानाश, समझा मेरा बात। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बोले परंपरा का द्वारा शुद्धि होना चाहिए, बलदेव विद्याभूषण बोले। तो ये सब बातें जो है हृदय में छुपा कर रखना, सुनोगे इधर से निकल जाए तो क्या फायदा। संप्रदाय जो है चारों संप्रदाय के साथ कनेक्शन है तो ठीक है, लेकिन हमारा यह कहने का मतलब है शास्त्रों में चाहे चारों संप्रदाय के साथ कनेक्शन है तो आपका भजन बनेगा, नहीं तो होगा नहीं। लेकिन ये चारों संप्रदाय में क्या क्या है, बोले शुद्धाद्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, बहुत सारे विभाग है, बहुत सारे विभाग, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद है, बाप रे बाप, पागल बन जाओगे ये सब विचार सुनते सुनते। महाप्रभु जी ने माध्वाचार्यों का संप्रदाय को स्वीकार किए, ये चारों संप्रदाय के जो आचार्य है, चारों संप्रदाय के जो आचार्य है, चारों के चार ही नवद्वीप धाम में गए थे, धाम महिमा में है। निम्बार्क आचार्य जो वो भी गए गौरंग महाप्रभु के धाम में, विष्णु स्वामी वो भी गए, माध्वाचार्य भी गए, सारे गए, लिखा हुआ है धाम। लेकिन माध्वाचार्यों का संप्रदाय महाप्रभु ने स्वीकार किया, क्यों, महाप्रभु माध्वाचार्यों का संप्रदाय जो है उसमें एक मूल विषय है साक्षात विग्रह का, जो विषय में प्रेम प्रीति का सेवा, वो माध्वाचार्य जो विषय विशेष करके है।
अब माध्यचार्यों का जो विचार है, विचार है पूरा के पूरा हमारा गौड़ीय मठ में नहीं है, समझाने हमें। मेरा जो गौड़ीय धारा है हमारा, हम लोगों का वो गौड़ीय धारा में माध्यचार्यों का जो विचार है उसका मूल है, मूल बेसिक थिंग। लेकिन बाकी इसलिए हमारा संप्रदाय का नाम है माध्य गौड़ीय संप्रदाय। नाम क्यों हुआ माध्य गौड़ीय संप्रदाय? पूरा माध्यचार्य का पूरा विचार नहीं, क्योंकि माध्यचार्य समुदाय में जो विचार है उसका मूल लिया गया, इसलिए लिया माध्य गौड़ीय संप्रदाय जो भी है। तो इसमें विचार आता है, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हम ये रहस्य का बारे में अर्थात हमारा स्वरूप का ज्ञान और हमारा जो माया का साथ हमारा जो रचना है लीला, क्योंकि माया अगर नहीं है, माया का साथ भगवान का लीला नहीं है, माया मतलब जोगमाया, अगर माया बोले तो तुरंत समझेगा जोगमाया, अब महामाया बोले तो महामाया, महामाया क्या है, जोगमाया का शैडो छाया है। माया जब भी बोले ठाकुर जी का माया तो तुरंत सोच लेगे जो जोगमाया, कोई विशेष करके बोला हुआ है कि महामाया है तो सोचोगे महामाया, जीवों के जीवों को मोह में डालने वाली ये मोहमा महामाया। तो इधर जो है अगर ठाकुर जी का साथ जो माया का शक्ति का कोई लीला नहीं है तब तो कोई लीला का दर्शन होगा नहीं। ठाकुर जी का साथ, ये ठाकुर जी का साथ जब तक भगवान ठाकुर जी का साथ उसका जो शक्ति है, शक्ति का जब तक लीला हो खेला हो तो उसी का नाम लीला है। जब शक्ति का साथ कोई भगवान का कोई विलास नहीं है, ये शब्द भी दिया गया, ठाकुर जी का साथ जब शक्ति का उनके जो शक्ति है उसका कोई विलास नहीं है तो सोचो कि लीला विलास नहीं है, समझा मेरा बात। ठाकुर जी का साथ जो शक्ति है उसका विलास बंद हो गया, नित्य जगत में है ये बस, तो लीला तब तो लीला होगा नहीं। इसका बारे में भागवत का दसम स्कंध में आएगा, इसी का बारे में ही बताया गया, जय जय या जयाम जित दोष गृहीत गुना तमसी यदात्मना समबरुद्ध समस्त भग। ठाकुर जी को बताया वेदस्तुति, समस्त शक्ति को अवरुद्ध करके आप निश्चेष्ट होकर सोए, निश्चेष्ट होकर सो गए चौ महीना। यदि चौ महीना है चतुर्मा चाव, चौ महीना में ठाकुर जी इच्छा करके जोग निद्रा को अवलंबन करके सो जाते हैं, जोग निद्रा इसी को चौ महीना बोला जाता है। ठाकुर जी स्वयं एकादशी में सोते हैं और उत्तान एकादशी में जग जाते हैं। ठाकुर जी का सोना हमारा माफी नहीं है, ये जोग निद्रा अवलंबन करके ठाकुर जी सोते हैं। इस समय भक्त लोग जो है वेद उपनिषद पुराण सारे ठाकुर जी का स्तप करते रहते हैं, निरवच्छिन्न स्तप स्तप स्तुति करते रहते हैं। इसका विषय में आएगा बाद में चर्चा। तो इधर जो है ठाकुर जी का जो विषय है, इस विषय में सारे ज्ञान हो जाए, ठाकुर जी बोल रहे हैं हम दे रहे हैं तुम ग्रहण करो, हम ना, हम अगर ना दे तो आपका ग्रहण करना संभव नहीं है, गुण कैसे कर पाओ। और उसके बाद बोले जवान हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म कहा तथैव विज्ञान वसुते मदनुग्रहात, गुरु कृपा से सब कुछ हो जाता, सदगुरु कृपा से सब संभव है। इधर ब्रह्मा जी को भगवान कृपा की तो मतलब ब्रह्मा जी का गुरु कौन है, साक्षात कृष्ण। ब्रह्मा जी का गुरु है कृष्ण, कृष्णम मंदे जगत गुरुम, कृष्णो साक्षात ब्रह्मा जी का गुरु है। इसलिए गुरु जी का कृपा देखो, जवान हम यथा भाव जद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञान सुते मदनुग्रह, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं हम कैसा है, हमारा रूप कैसा है, हमारा गुण कैसा है, हमारा लीला कैसा है, हमारा धाम कैसा है, हमारा नाम कैसा है, सबका बारे में जानकारी आप ले लो, सबका बारे में जानकारी ले लो, सब चीज ये सब चीज का ज्ञान हो जाएगा। तथैव इन सब विषयों में तत्व विज्ञानम असुते मदनुग्रहात, हमारा अनुग्रह से कृपा से मदनुग्रहात
हमारा कृपा से आपका अंदर में ये सब ज्ञान पैदा हो जाएगा कृपा के द्वारा। इसमें एक विशेष सिद्धांत तो है, ब्रह्मा जी तपस्या करते करते ठाकुर जी उसको, ठाकुर जी इधर गुरु का काम किया, लेकिन अगर जगतवासी बोले हम कृष्ण को गुरु मानेंगे और किसी को गुरु मान गए, इसका सिद्धांत तो हम परंपरा का ग्रंथों में गौड़ीय संप्रदाय में क्या परंपरा नहीं है इसका, इस विषय को लेकर पिछले बहुत सालों से लड़ाई होते आ रहा है, गौड़ीय संप्रदाय में कोई परंपरा नहीं है इसका विषय में। 7-8 साल पहले मैंने किताब ठाकुर जी का कृपा से उपस्थित किया था, उसका नाम है क्या सच्चा गौड़ियों संप्रदाय में, सारस्वत गौड़ी संप्रदाय में गुरु परंपरा नहीं है, ऐसा एक किताब निकाला था। वो किताब में हम ये विचार प्रस्तुत किया था, किसी ने अगर बोले कि गुरु का दरकार नहीं, कृष्ण तो गुरु है, हो जाएगा, होगा नहीं, क्योंकि कृष्ण चैतन्य वहां बोले, क्योंकि दूसरा जो बदमाश लोग है वो बोले गौड़ियों धारा चैतन्य महाप्रभु से आए हुए हैं, किसी बदमाश लोगों ने ऐसा विचार किया गौड़ीय मठ का जो धारा है वो चैतन्य महाप्रभु से आए हैं, हम लोग मानेंगे नहीं, मताचार्य आ नहीं, तो इसका क्या जवाब दोगे हो? इसके लिए मेरे को युक्ति देना पड़ा, शास्त्रों का विचार, वो विचार प्रस्तुत करेंगे हम। उसमें देखो ये जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं है, स्वयं परात्पर अखिलेश्वर, वो भी स्वयं रूप भगवान, अर्थात जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु। अगर ठाकुर जी स्वयं संप्रदाय का प्रवर्तन कर दे तो बड़ा भारी मुसीबत हो जाएगा, क्यों? वो ठाकुर जी का ही तो किया हुआ है संप्रदाय, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ऐसा करते हैं कि ठाकुर जी स्वयं गुरु ग्रहण करते हैं। ये जो है ब्रह्मा जी को कृपा किए, ये एक्सीलेंट, तब तो शिष्य नहीं था ना, मेरा बात ध्यान से सुनो, जिस समय ब्रह्मा जी को कृपा की शिष्य में कोई सृष्टि तो नहीं था, लेकिन सृष्टि का ये विचार है, ये प्रपंच में कोई अगर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहे तो उसको लाइन पे आना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में पधारे थे इधर, तो कृष्ण भगवान स्वयं गुरुचरण आश्रय किए ना, एक तो संदीपनी मुनि के पास गए और फिर भागुरी मुनि को आश्रय किए तत्व ज्ञान के लिए, भागुरी मुनि, रामचंद्र जी हैं जो ये जो है उसका नाम है, और जो इसका नाम क्या है, अष्टवक्र मुनि, अष्टवक्र मुनि को गुरु माना रामचंद्र जी, अष्टवक्र मुनि। तो ये तत्व ज्ञान प्राप्ति करने के लिए साक्षात भगवान जो है जब प्रपंच में विलास करते हैं तो वो भी गुरु ग्रहण करते हैं। और ये जो घटना है, ये घटना तब तो सृष्टि नहीं था, कोई सृष्टि नहीं है, सृष्टि नहीं है, अभी सृष्टि नहीं हुआ, इस समय में ब्रह्मा जी को ठाकुर जी किया। लेकिन वो जब ठाकुर जी प्रपंच में लीला करने के लिए आते हैं, उस समय स्वयं ठाकुर जी को भी गुरु ग्रहण करना पड़ता, संदीपनी मुनि से विद्या लिया, रामचंद्र जी भी विद्या लिया, चैतन्य महाप्रभु भी गए गंगादास पंडित का टोल पे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, फिर गुरु ग्रहण किया को ईश्वरपुरी पाद, संन्यास ग्रहण किया, संन्यास गुरु कौन है, केशव भारती, तो ये सब के द्वारा जो है ठाकुर जी ये प्रमाण रखना चाहते हैं कि जगत में जब भी हम साक्षात भगवान हैं तब भी है संप्रदाय का प्रवर्तन हम कभी नहीं करेंगे, क्यों? हम करेंगे तो मुश्किल हो, लोग बोले गए, इसलिए ठाकुर जी का कृपा के द्वारा हमारा संप्रदाय जो विचार है माध्य गौरी संप्रदाय का विचार है, माध्य चर्चा आ रहा है, ऐसे ही गुरु परंपरा धारा अगर विशुद्ध हो तो आगे चलकर आपको वास्तव कृपा मिले, अगर गुरु परंपरा अगर शुद्ध नहीं भई तो परंपरा का जो धाराएं हैं उस टूट जाएगा। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का जो कहना है, भक्ति विनोद धारा कभी, प्रभुपाद जी ने बताए भक्ति विनोद धारा कभी अवरुद्ध नहीं होने वाला, तो इसके द्वारा हमको ये विश्वास रखना चाहिए कि परंपरा की द्वारा तो गुप्त नहीं होंगे, गुप्त होना संभव नहीं, और चाहे चलेगा कैसे चले, जैसे फल्गु नदी है, नदी नहीं दिखाई पड़ता लेकिन बालू को हटाओ अंदर में नदी बह रही है, अंदर से बालू, सरस्वती नदी भी यही,
कई जगह सरस्वती बालू को हटाओ अंदर में सरस्वती नदी गुप्त सुप्त रूप में परंपरा के द्वारा किसी परंपरा का द्वारा अगर टूट गया तो ये विचार कर लो दूसरा संत महात्मा देखो वो परंपरा में है कि नहीं उस परंपरा से ले लो नहीं तो परंपरा का धारा टूट जाएगा पूरा समझा मेरा बात है विचार बलदेव विद्वासन जी ने कहे तो हम जैसा है हमारा रूप जैसा है हमारा धाम कैसा है हमारा नाम आदि सब बारे में तुमको हम ज्ञान दे रहे हैं आप इस विषय में तथैव विज्ञान वस्तु ते मद अनुग्रह हमारा अनुग्रह से आप ये सब ले लो इस विषय के ऊपर पूरा चर्चा हो पाएगा आज शाम को ही दूसरा स्कंद छोड़कर तीसरा स्कंद में हम प्रवेश करेंगे इधर ही इस तक विचार को समाप्त रखें एनर्जी जिले के शाम को सायंकाल अधिवेशन में बैठना खूब तगड़ा होकर पावर लेकर बैठना नहीं तो होगा नहीं संसार सिंधु उत्तरने हृदयम जदीसा संकीर्तनाम रसे रमते मनुष्ये पेमाम बुधि हरने यदि चित्त वित्ते चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम वांछा कल्पतरुवश्य कृपासिंधु भवेश पतितानं पावन भवेश्यो नमो।